नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। किसी देश का सशस्त्र बल वो चौकस प्रहरी होते हैं जो देश की निगेबानी करते हैं, किसी भी संभावित खतरे से देश की रक्षा करते हैं। इनका जब जिक्र जुबा पर आता है तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भारत के लिए ये बड़े फख्र की बात है कि सेना में जाने के लिए हमारे देश के नौजवानों में जुनून दिखता है। देश पर न्योछावर हो जाने का जज्बा भी उनमें खूब दिखता है। ऐसे में एक नई तरह की चर्चा उठ खड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि सशस्त्र बलों में भर्ती का एक नया स्वरूप जल्द घोषित हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब जल्द ही टूर ऑफ ड्यूटी का एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ सकता है। इसके पीछे मकसद देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और राजकोष में बचत को बताया जा रहा है। इसके तहत देश के सशस्त्र बलों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकारियों और सैनिकों की भर्ती किए जाने की योजना है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सेवा 3 साल के लिए हो सकती है। इसके लिए भर्ती किए जाने वाले अधिकारियों और सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग से भी गुजरना होगा और उन्हें सेना के अलग अलग अभियानों और सेवाओं के लिए ट्रेंड किया जाएगा। इसमें आतंकी गतिविधियों से निपटने, उग्रवाद से जुड़े अभियानों से मुकाबले के साथ साथ आईटी और इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यों के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर सशस्त्र बलों में भर्ती के विचार पर लंबे समय से मंथन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पर प्रस्ताव को अनुमति दिए जाने को लेकर ही पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय की बैठक हुई थी, जिसमें टूर ऑफ ड्यूटी के विचार पर चर्चा की संभावना जताई गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस विचार को साल 2020 में जनरल नरवणे की ओर से आगे बढ़ाया गया था, जिस पर सरकार के शीर्ष नेतृत्व से भी विचार विमर्श हुआ है। हालांकि ये लागू कब से होगा या इस दिशा में तैयार प्रारूप की आधिकारिक घोषणा कब की जाएगी, इस बात का अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। देश में वर्तमान में सशस्त्र बलों में भर्ती के बाद सेवा की अलग अलग समय सीमा तय है। अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भर्तियों को लेकर जो बात इस रिपोर्ट के जरिए सामने आई है, उसके मुताबिक ये भर्ती सेना की कौन कौन सी इकाइयों में होगी, उस पर भी विचार विमर्श जारी है। इस तरह की संभावित शुरुआत को लेकर बताया जा रहा है कि इससे देश में रोजगार के नए अवसर तो पैदा होंगे ही, साथ ही टूर ऑफ ड्यूटी के नए कॉन्सेप्ट से हजारों करोड़ की बचत भी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।